मेरा वीडियो देख के मेरे G2 फैमिली है, सब्सक्राइबर है, पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। मैं बात करूंगी अंजलि से, मैं बात करूंगी, बोलूंगी मैं बोलूंगी सुनो दीदी वापस आ जाओ इसके लाइफ में, है ना, तुमको आशीर्वाद दूंगी और तुम्हारे शादी में आके मैं अंजलि को 2 साड़ी भी दे दूंगी। मैं सब केस कुमारी हर चीज उठा लूंगी, हर चीज उठा लूंगी। तुम मेरे साथ एकदम प्रतिव्रता अच्छे क्या बोलते हैं पति बन के रहो, रिशु का अच्छा एडुकेशन है, अच्छे से रहना है, मेरे से बात करो, मेरे से फोन में बात करो। तो मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है तुमसे बात करने का और ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बनाई हूँ। मैं बोली अपने पापा को, तब तक मैं तुम्हारा इज्जत बचा के रखी थी, लेकिन मैं ये बात रख रही हूँ, मेरा शर्त भी है इसमें, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और थोड़ा सा टेंशन में थी, प्रॉब्लम में थी, दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही, यानी कि अगर आपके मन में बहुत सारी बातें हैं और आप जिसके लिए आप पर में बातें चल रही, आप अगर उस इंसान से ना बोल सको, ना उस इंसान से डिस्कस कर सको, ऑब्वियस सी बात है अंदर अंदर घुटता है। तो आज सुबह से थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा था, बीपी वगैरह लो, मतलब बहुत अजीब लग रहा था, जैसे मानो कोई मेरे ऊपर 100 किलो का कुछ वजन रख दिया और सांसें फूल रही थी, गला सूख रहा था। तो अब मेरे पास बात करने का कोई जरिया उस इंसान से है नहीं, एकदम सीधी सी बात है। जो कोर्ट केस होती है ना, कोर्ट केस ना बहुत लंबा चलता है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ, काफ़ी लोग मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो पिछले बहुत सालों से कोर्ट केस में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने डिवोर्स ले लिया है, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस तो गए हैं लेकिन मर मर के जी रहे हैं। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, काफ़ी लोगों से बात हुई और जैसे मैं आप सबसे एक राय मांगी थी कि मैं क्या करूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं उस डिसीजन पे आ चुकी हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ और आगे इवन मैं क्या सोची हूँ, ये मैं अच्छे तरीके से मतलब जहन में बिठा ली हूँ, मैं मेरे सैलून से सबसे बात कर ली हूँ। तो वो जो मेरा डिसीजन है वो मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊँगी, जब एट दैट पॉइंट मैं आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि मान के चलिए अभी मैं कोई डिसीजन ले ली हूँ और यहाँ पर अगर शेयर करती हूँ, वो क्या करेगा, अपना अगला कदम उस बेस पे रखेगा ताकि वो जो मैं सोचा है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है तुमसे बात करने का और ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बनाई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा ब्लॉग बनाई है, क्योंकि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, मैं ब्लॉक हूँ, इवन मेरा 2-3 नंबर जो भी है सबसे तुम ब्लॉक हो और बिजनेस का नंबर से भी कॉल नहीं लगता तुम, इवन मैं सिर्फ इसको नहीं, मैं उस जो करमजली है मैं उसको भी कॉल की थी, उसका भी नंबर से मेरा नंबर ब्लॉक है, नहीं लग रहा है कॉल। और या फिर हो सकता है कि मैं करमजली के पापा को भी फ़ोन लगा सकती हूँ, क्योंकि भाई अब यहाँ मेरी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, मेरा करियर दाव पे लगा हुआ है, जेन्युइन सी बात है, मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगी और वो जेन्युइन है, वो करना ही पड़ेगा मुझे, मेरे बच्चे का मेरा सवाल है, मैं तो मुझे फ़ाइट करना ही है उस स्टेज के लिए। तो फिर अब बात यहाँ तक आ पहुँची कि फिर मुझे करमजली के पापा से बात करना पड़ेगा, जैसे मैं उसके पापा से बात की थी एक बार, आप लोग याद है आज से 1 साल पहले मैंने उसके पापा से बात किया था, उसके पापा को मैं फ़ोन लगाई थी, उसके पापा से बात हुआ था मेरा करमजली के, फिर करमजली के सगे मामा के बेटे से बात हुआ था, फिर उसके जो रिलेटिव्स है सब लोगों से मैं बात कर डाली थी उस वक्त। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम श्रीवास्तव खानदान में ऐसा कोई घिनौना काम करता नहीं है कि कोई शादीशुदा का घर उजाड़ दे, या फिर कोई अगर शादीशुदा है तो उसका घर उजाड़ के खुद अपना घर बसाए, या तो हम श्रीवास्तव लोग काट के फेंक देते। मेरा बात तुमको, तुम किस वे पे ले तो नहीं ले तो, मैं एकदम सीधा पॉइंट बात करूंगी, सीधी बात। कोर्ट केस है जो बहुत लंबा चलने वाला है, कभी कभी 7-8 साल, 10 साल, 12 साल लग जाता है। तुम्हारी खुद की अपनी फ्यूचर है, अपनी लाइफ है, मेरी भी खुद की अपनी फ्यूचर है, अपनी लाइफ है, और अभी यहाँ तक हर चीज़ पहुँच चुका है कि कभी कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, जेन्युइन सी बात है। मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत बहुत मानती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए 5 साल तक हर चीज़ सही हूँ, हर चीज़ बर्दाश्त की हूँ। अगर प्यार नहीं करती, नहीं मानती, रिस्पेक्ट नहीं करती तो 15 दिन बाद ही वापस आ जाती, ठीक है। तो ये मेरा प्यार ही था, मैं चुपचाप थी, इवन मैं प्रेग्नेंट हुई 4 मंथ तब भी, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो तुमने स्टार्ट किया हम लोग को शादी करना है, मैं तब भी तुमको रिस्पेक्ट करती थी, करके चुपचाप थी। मैंने अपने माँ बाप तक को नहीं बताया ताकि तुम्हारा इज्जत खराब मत हो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, हम एक ही हैं। मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया। 4th, 5th, 6th महीने में तुम मुझे ज़बरदस्ती घर में छोड़ के आए, मैं तब भी घर में नहीं बताई। तुम मुझे छोड़ के जब आए थे तुम मुझे बोले थे वापस मत आना, मैं तब भी नहीं बताई। जब मेरे घर में गोद भराई चल रहा था 7वें मंथ में, पापा लोग सब लोग खूब सब पूछे आसपास के लोग कि तुम्हारे सास ससुर नहीं आया, तुम्हारा कम से कम पति तो आता वो भी नहीं आया करके, मैं इतना रोई
तब भी तुम नहीं आए, मैं तब भी नहीं बताई, लेकिन तुम मेरे को सातवें मंथ में फोन करके क्या बोलते हो, मैं उस क्रमली से शादी कर रहा हूँ, अब मैं दोबारा कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगा, अब तुम पखानजू में गए, वही बच्चा बच्चा पैदा करो, वही रहो, वही बच्चों को पालो पोसो बड़ा करो, वापस मत आना, तब जाके मैं तुम्हारा नहीं सोच के अपना सोच के फिर मैं बोली अपने पापा को, तब तक मैं तुम्हारा इज्जत बचा के रखी थी, नहीं बताई कि तुम्हारा अफेयर है, एन है, ये है, धन है, फन है, कुछ नहीं बताई, तब जाके मैंने अपने पापा को बताया। तो कौन बाप ये सुन पाएगा, कोई बीवी ना जानबूझकर जबरदस्ती ये सब चीज़ करती नहीं है, हर बीवी को अपने पति की इज्जत प्यारी रहती है, क्योंकि वो प्यार करती है मन से तन से, समझ में आया। फिर उसके बाद आप लोगों को तो पता है फिर जो जो केस मेरे साथ हुआ, तो ये एकदम सिंपल सी बात है, कुछ ठीक पड़े जैसे नहीं हो सकता, तुमको अपना करियर में आगे बढ़ना है, फोकस करना, मेरी भी करियर है, मुझे भी आगे बढ़ना, फोकस करना, बेटी को लेके एक अच्छा एजुकेशन देना, अच्छा एक लाइफ स्टाइल मुझे जीना है, अगर मैं 15,000 कमा रही हूँ तो 15,000 के अंदर मैं जितना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकती हूँ उस हिसाब से मुझे मेंटेन करना है, चलना है मुझे आगे। और ये एकदम सीधी सी बात है, अब मैं तुम्हारे पास पॉइंट रखती हूँ, ठीक है। तुम देखो एकदम सीधी सी फंडा है, ये इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि इसके लाइफ में अंजलि नहीं है, अंजलि चली गई, ये जिस अंजलि के लिए इसने मुझे छोड़ा, मुझे इतना परेशान किया, अब वो अंजलि छोड़ के चले गई, तभी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इसकी लाइफ में अंजलि होती तो वो अंजलि के साथ ही इंगेज रहता ना, अंजलि में ही बिजी रहता, तो उसी के साथ ही बिजी रहता, उसी के साथ ही अपना करियर को फोकस करता, शादी करता, बच्चे पैदा करता, आगे बढ़ता, बट इसके लाइफ में वो लड़की है नहीं, वो लड़की इसके लाइफ में छोड़ के चली गई या डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई बहाना दी होगी, जो भी है मुझे नहीं पता, अब मैं क्या ना कि पूछने नहीं जाती इसके पर्सनल लाइफ में कौन है कौन नहीं है, पूछने जाऊंगी तो पता चलेगा, तो आप लोग को बता पाऊंगी, क्योंकि एकदम समझदार इंसान भी बोल देगा कि इसकी लाइफ में वो लड़की है नहीं, उसको छोड़ के चली गई, तभी वो पूरा उसका ध्यान पूरा खाली टाइम वो तुम्हारे पे लगा रहा है, किस तरह से तुमको बर्बाद किया जाए, कि किसी की लाइफ में कोई अगर होता है ना तो उसका ध्यान उस पे रहता है, कैसे रिलेशन को मेंटेन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसमें फोकस करता है। ये हो गया बात, तो अब मैं मेरा पॉइंट रखती हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमसे बात करने का कोई जरिया है नहीं मेरे पास, तुम फ़ोन कॉल उठाते नहीं हो, मुझे भी फ़ोन नहीं करते हो, कोर्ट में बात नहीं करते हो, तो इस तरीके से कुछ होने वाला नहीं है, लाइफ उल्टा बर्बाद हो रहा है, लेकिन मैं ये बात रखती हूँ, मेरा शर्त भी है इसमें, ठीक है। तुमको तुम्हारी खुशी, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी, तुमको सब मिलेगी, लेकिन मेरा भी इसमें, तो अगर मैं तुम्हारा अच्छा देख रही तो तुमको भी मेरा अच्छा देखना पड़ेगा ना भाई, जेनुइन सी बात है, देखना ही पड़ेगा ना। देखो अंजलि तुम्हारी लाइफ से चली गई है, ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो कि जो लड़की तुमको छोड़ के चली गई तुम्हारे लिए ऑफिस आए, मैं बात करूंगी अंजलि से, मैं बात करूंगी, बोलूंगी मैं बोलूंगी सुनो दीदी वापस आ जाओ इसके लाइफ में, है ना, इसकी लाइफ को तरोताजा कर दो, फूल से भर दो, धन धान्य कर दो इसकी ज़िंदगी को, तुम वापस आ जाओ, ठीक। और अगर 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 वो करमजली वापस आती भी नहीं है तो मैं उसके पापा से बात करूंगी, मैं बोलूंगी अंकल जी अपनी बेटी को इससे शादी करवा दीजिए, शादी का खर्चा वर्चा भी मैं तुमको दे दूंगी, लेकिन इसका शादी करवा दीजिए, बहुत परेशान है बेचारा, इतना परेशान है कि परेशान हो के मेरे हाथ पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रहा है, ना मेरे को बिजनेस करने दे रहा है, ना मेरे को ब्लॉग बनाने दे रहा है, ना मेरे को कोर्ट में शांति से रहने दे रहा है, ना मेरे को मेरे घर में शांति से रहने, कुछ भी नहीं करने दे रहा है। तो तुमको इसी चीज़ की दिक्कत है ना, कि जिस लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ा, आज जो लड़की तुमको छोड़ के चले गई, वाह 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 वाह, तो वो वापस आ सकती है, शायरी को हम बदल देंगे, कैसे बदलेंगे, वापस मतलब वापस आ रही है ऐसे हेडलाइन रखेंगे, ठीक है, तो तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएगी, फिर तो सब ठीक है ना, फिर तो और कोई झमेला नहीं है, झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बात करूंगी। या तो तुम ये करो, सब मैं सब केस कुमारी हर चीज़ उठा लूंगी, हर चीज़ उठा लूंगी, तुम मेरे साथ एकदम प्रतिव्रता अच्छे क्या बोलते हैं पति बन के रहो, ऋषु का अच्छा एडुकेशन दो, है ना, तुम भी कमाओ मैं भी कमाती हूँ, फिर अच्छे से घर संसार करेंगे, ठीक है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, ठीक। अब सेकंड ऑप्शन अपनाती हूँ, जब तुम मुझे जीने खाने दोगे ही नहीं और जब तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं कि तुमको अंजलि के साथ भी नहीं रहना है, तुमको उससे शादी भी नहीं करना है और तुमको मेरी लाइफ बर्बाद भी करनी है, डिस्ट्रॉय भी करना है, तो एक काम करती हूँ, फिर मैं सबको सामान वामान लेकर तुम्हारे घर में आ जाती हूँ, उसी छत के नीचे रहती हूँ, तो
तो वही बैठ कर दोनों केस लड़ते हैं, ठीक है। जब केट की जो सॉरी जब केस की डेट आएगी, तुम अपने गाड़ी में निकल जाना, मैं अपनी गाड़ी में निकल जाऊंगी, जाके एक ही जगह पहुंचेंगे कोर्ट में, वहां पास में लड़के बात करके डिस्टर्ब करके फिर घूम फिर के फिर एक ही घर में एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज देखो तुमको क्या करना है तुम डिसाइड कर लो, ठीक है। या तो तुम बोलो मैं अंजलि से बात करती हूँ, अंजलि से तुम्हारी शादी वगैरह करवा देती हूँ, तुम उसी के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, दोनों मिलकर जॉब करो, खूब पैसा कमाओ, खूब आगे बढ़ो, तुम दोनों आपस में जो करना है करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, और मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से दो दो पैसे जमा रही हूँ, मेरे बच्चों को मुझे आगे बढ़ाना है, अच्छा एडुकेशन देना है, हर चीज़ मुझे करना है, तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं सारा केस कमारी जितना भी सारा चीज़ है मैं उठा लूँगी, तुम अपने लाइफ में ध्यान दो, मैं अपने लाइफ में ध्यान देती हूँ। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से मेरे बहुत से सब्सक्राइबर को कुछ झिझक हो सकती है, झिझक हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा मेंटल पीस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। केस भी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, मैं कोमा में चली जाऊँगी, तो केस का क्या करूँगी मैं, बताइए आप लोग, क्या करूंगी मैं, किसका कौन लड़ेगा केस। अभी भी मेरा तीन से चार लाख रुपए मेरा अभी भी देना बचा हुआ है, जानते हैं आप लोग कितना कितना देना बचा है मेरा। मेरे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी मेरा मेंटल पीस है, मेरे लिए कोर्ट किस नहीं आता सबसे मेन प्रायोरिटी में, मेरा मेंटल पीस है, और वही मेरे धीरे धीरे वो शांति भंग हो रही है मेरी। मैं ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही हूँ, यूट्यूब में काम नहीं कर पा रही हूँ, बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बेटी में फोकस नहीं कर पा रही हूँ, नींद नहीं आती, मुझे बेचैन होती रहती हूँ मैं। मुझे ज़िंदगी में शांति चाहिए, शांति। 5 साल 8 साल बहुत बहुत झेली हूँ, बहुत, अब और नहीं। इसलिए बोलो तुमको क्या करना है, तुम क्या चाहते हो, मेरे को उससे हंसते बोलो, क्योंकि तुमसे मेरी बात होती नहीं है, ना व्हाट्सएप में, ना मैसेज में, कहीं पे भी नहीं। तुमको क्या चाहिए तुम मेरे से डायरेक्टली बात करो, ठीक है, एकदम डायरेक्टली बात करो, कोर्ट में बात करो, फोन करो, मैसेज करो, और मैं तुम्हारा कॉल वाल कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाली, मेरे को कोई शौक नहीं तुम्हारा कॉल वाल कुछ रिकॉर्ड करने का। वो टाइम चला गया जब मुझे सबूत वगैरह देना था, तो उस टाइम मैं रिपोर्ट की थी, अब मुझे कुछ सबूत वगैरह किसी को कुछ देना नहीं है, तो सब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। और हाँ, और अगर तुम बदले की भावना से मेरे साथ आए हुए हो कि 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, मैं कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा, ये केस ऐसे ही चलेगा, हाँ, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम चलाओ फिर, 15 साल चलाओ, 20 साल चलाओ, 25 साल चलाओ, 30 साल चलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम भी अगर शांति से रहना चाहते हो और मुझे भी अगर शांति से रहने देना चाहते हो, है ना, तुम मेरा छोड़ो, तुम अपना ही देखो, तुमको अगर शांति से रहना है, अच्छे से रहना है, मेरे से बात करो, मेरे से फ़ोन में बात करो, ये एकदम ज़रूरी है कि तुम शांति से रहो, मैं शांति से रहती हूँ। बाकी ऊपर वाला है, जब उसके लाठी में आवाज़ पड़ती है ना, बहुत जोर की पड़ती है, आज मिले, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद, इसके तुमको सजा तुमको ज़रूर मिलेगी, ये तुम याद रखना। कर्म बहुत ज़ोर से पड़ता है, और जब पड़ता है ना, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इवन तुम अभी देख लो, तुम शांति से हो, नहीं हो, तुम बेचैन हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, जॉब छूट गया, घर में पड़े हुए हो, मानसिक असंतुलन में हो, तुम्हारे पैसे वकीलों के पीछे जा रहा है। इसलिए मुझे जो कहना था मैं वो कह चुकी हूँ, और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं कहना। मुझे पता नहीं मेरा वीडियो देख के मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, सब्सक्राइबर है, पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग से एक निर्णय मांगी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान अगर इस तरीके से मेरे पीछे पड़ा रहेगा तो मुझे उस घर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हाँ, आपको जाना चाहिए, आपका हक है उस घर पे, उस घर में रह के लड़ो। काफ़ी लोग बोले कि शताब्दी मत जाओ, आपको नहीं जाना चाहिए। फिर काफ़ी लोग मेरे से फ़ोन में बात की कि दी, आप चले तो जाओगे बट आपका मेंटल पीस खराब हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ जाओगे, वहाँ बैठ के आप लड़ोगे, लेकिन आपका मेंटल पीस खराब हो जाएगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आप ये ब्लॉगिंग बिजनेस कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपके पास एक बच्चा भी है, आपको बच्चों को भी देखना है। फिर काफ़ी लोग बोले कि नहीं, आप जाओ, जाके वहाँ पे बैठ के लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, आज तो कल आपको निर्णय मिलेगा ही मिलेगा। मैं बहुत सोच के
एक डिसीजन मैं ले चुकी हूँ और आप लोग से वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पहले अपने वकील लोग से, सर लोग से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल एक इंसान की सबसे मेन प्रायोरिटी है उसका मेंटल पीस, उसका हेल्थ, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं पहले स्वस्थ रहूँ, ठीक रहूँगी, स्वस्थ रहूँगी, तभी ना मैं आगे लड़ पाऊँगी। लेकिन मैं एक सीधा सिंपल एकदम शॉर्टकट में एक बात बोल रही हूँ, सब चीज़ें ख़त्म करते हैं, सब चीज़ें ख़त्म करते हैं जो एक मेरी बेटी के हक़ में आता है, जो मैं मेरे लिए तुमसे नहीं मांग रही हूँ, मुझे तुमसे चाहिए भी नहीं कुछ, ठीक है। मैं बिजनेस करके, जॉब करके, मैं मेहनत करके अपना खा ही लूँगी, पढ़ी लिखी हूँ, BSc MSc की हूँ, अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाली है, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, मैं कर ही लूँगी, भले मुझे 5,000 ही क्यों ना मिले। लेकिन जो बेटी का हक का बनता है, बेटी का हक का चाहिए, बेटी का हक का जितना बनता है बेटी का हक का दो, सब चीज़ें ख़त्म करो, तुम अपने लाइफ में जियो, मुझे अपने लाइफ में जीने दो। तुमको अंजलि से शादी करना है, करो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मैं भी तुमको आशीर्वाद दूंगी, और तुम्हारे शादी में आके मैं अंजलि को दो साड़ी भी दे दूंगी, तुम्हारी माँ को भी दो साड़ी दे दूंगी, और तुमको चाहिए तो तुमको भी दो साड़ी दे दूंगी, ठीक है। तो सब चीज़ें ख़त्म करो, और अगर तुमको कुछ देना नहीं है अपनी बेटी को, कुछ भी नहीं देना है तुमको, इसी तरह तुमको मेरे पीछे पड़े रहना है और मुझे डिस्टर्ब करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो कोई बात नहीं, फिर मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी चीज़ें नहीं करूँगी, उठाऊँगी, चलने से चलता रहेगा। बहुत तुम तो अकेले हो, तुम्हारा क्या है, तुम मस्त बॉल अकेले हो, खाओ पियो घूमो, ऐसा वाला सिस्टम है, बट मेरा ऐसा नहीं है। सुबह नींद से 10 बजे से उठ के रात के 3 बजे तक मैं लगी रहती हूँ, दिन भर फ़ोन आते हैं सब्सक्राइबर के, कस्टमर के, साड़ी दिखाने के लिए, कुछ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, बेटी को दिन भर देखना पड़ता है। अभी जितने भी सब्सक्राइबर फ़ोन करते, पूछना कभी जीशु कितना परेशान करती है बाजू से करके, आज हम तो बात नहीं कर पाते मेरे से अच्छे से, घर के काम रहते, ब्लॉग बनाना रहता है, हर चीज़ संभालना रहता है। बाकी तुम्हारा डिसीजन है, जो करना है करो। एक तो मेरा पापा का दिया हुआ सारा सामान तुम लोग लेके रखे हो, पता नहीं कितना कुछ लेके रखे हो, कितना लाख का सामान लेके रखे हो, ज्वेलरी वगैरह है, घर का सामान वगैरह है, अरे वो तो कम से कम दे दो। एक बाइक भी तुम लोग लेके रखे हो, बाइक अगर तुम लोग मुझे वापस कर तो बाइक को बेच के मैं अपने लेके स्कूटी ले सकती हूँ, कुछ तो आएगा ना मेरे पास पैसा। आप लोग खुद जानते हो कि थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि पता है किसी इंसान को अगर सदमा लगता है ना, वो अगर सदमे से उभर के अगर अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा होता है ना, फिर से किसी न किसी दौर से अगर गुजरता है कि उसको अपना पुराना चीज़ याद आता है ना, तो वो घाव ना धीरे धीरे उभरने लगता है। हाँ मुझे पता था कि कंजूस है, ऐसा है वैसा है, देता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, ये सब चीज़ वो मुझे पता था कि हाँ ज़िंदगी भर मुझे ये चीज़ एडजस्ट करना ही है। लेकिन प्रेगनेंसी में छोड़ना अपनी बीवी को, ये इंसानियत में नहीं होता है, इंसानों में नहीं होता है, ये इंसानियत है ही नहीं। तो ये चीज़ मेरे को सदमा लगा कि उसने मुझे, जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसने मुझे छोड़ा उस वक्त, और मेरे को उस लड़की पे घृणा आता है कि तू भी तो एक औरत थी ना, तू इतना भी नहीं सोची कि मैं हॉस्पिटल में बेड में पड़ी हुई हूँ डिलीवरी के लिए, मेरा तुझे मेरे पति को लात मार के भगाना चाहिए था, हम लोग कल परसों नर्स मिल लेंगे, लेकिन अभी तुमको शताब्दी के पास होना चाहिए उसका डिलीवरी का टाइम में, तू लात मार के भगाती ना, झक मार के आता वो, लेकिन तूने भगाया नहीं। भगवान ना करे कि कभी तेरे घर में तेरी बहन को, तुझे कभी इस तरीके का दिन देखना पड़े कि पेट में बच्चा लेके हॉस्पिटल में तड़प रही है, मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है, वहाँ पे उसका पति नहीं आया हो, तब फील करोगे। जब अपने पे गुजरता है ना, तब इंसान फील करता है कि दर्द क्या होता है, दूसरे के लिए तो बोलने के लिए बहुत कुछ बन जाता है।